नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हीना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चमोली जिले के रैनी क्षेत्र में 12वें दिन भी रेस्क्यू जारी। आज 3 शव और 1 मानव अंग हुआ बरामद। लापता 204 लोगों में से अब तक 61 शव हुए बरामद। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्मरण का अगले महीने होगा आयोजन। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति में छात्र खुद करेंगे अपना मूल्यांकन। सरकार ने राज्य के लोगों को दी सौगात। आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे को वैध कराने की मिली अनुमति। वहीं अब महिलाएं भी पति की पैतृक संपत्ति में बनेंगी सह खातेदार। और मुख्यमंत्री ने आज पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में सीएम घोषणाओं की समीक्षा। कहा, घोषणाओं पर तय समय पर कार्य कराना सरकार की प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के तपोवन में आई आपदा में आज 12वें दिन भी रेस्क्यू जारी है। तपोवन टनल के अंदर से अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं। आज एनडीआरएफ की टीम ने टनल से 2 शव और 1 मानव अंग और रैनी से 1 शव बरामद किया है। आपदा में अब तक कुल 61 शव और 28 मानव अंग बरामद हुए हैं, जिसमें से 31 शव और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है, जबकि 143 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किया गया है। जोशीमठ थाने में अब तक कुल 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है, जबकि 56 परिजनों और 49 शवों के डीएनए सैंपल मिलान के लिए एफएसएल देहरादून भेजे गए हैं। क्या अपडेट है सर रेस्क्यू ऑपरेशन का? आज जो टनल एरिया है, जो तपोवन टनल एरिया है, वहाँ से 2 डेड बॉडी एनडीआरएफ की टीम ने रिकवर की है और 1 एम्प्यूटेड लेग भी उनको मिला है। इसके अलावा रैनी में भी हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहाँ नदी के पार एक शव दिखाई देने की संभावना थी। एक वहाँ छोटी एक टीम भेजी गई, उन्होंने उस शव को रिकवर कर लिया है और उसको लेकर अभी वापस रैनी गांव की तरफ आ रहे हैं। वहीं कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया कि चमोली जिले के जोशीमठ में ऋषि गंगा और धौली गंगा के मुहाने पर बनी झील की स्थिति अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन झील से पानी की निकासी बढ़ाने के लिए जलधाराएं बनानी होंगी। साथ ही जिन जलधाराओं से पानी की निकासी हो रही है, उन्हें और गहरा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि झील की वास्तविक जानकारी पता लगाने के बाद अगले 2 से 3 दिन में उचित कदम उठाया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। वीडियो संदेश में डॉ. निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 14 मार्च तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। परीक्षा पर चर्चा का चौथा संस्करण अब आपके साथ संवाद के साथ जुड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा आने से पहले इस संवाद को सीधे छात्र छात्राओं से करते हैं। इस समय ये संवाद अभिभावक से भी और अध्यापक से भी होगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एसओचएम के द्वारा आयोजित 14वें राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2021 को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलेगी। अब हर छात्र अपनी रुचि के तहत अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन पैटर्न में भी छात्रों को कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। जो स्कूली शिक्षा से हम शुरू कर रहे हैं और आपको लगेगा कि आप मूल्यांकन का भी तरीका टोटल हमने बदला है। ये जो रिपोर्ट कार्ड, अब कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, प्रोग्रेस कार्ड देंगे। 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा उस छात्र का, जब वो सशक्त तरीके से अपना स्वयं का वो मूल्यांकन कर सकेगा। आपको मालूम है कि व्यक्ति को ज्यादा अपने बारे में पता है, जिस दिन वो अपना मूल्यांकन स्वयं करना शुरू कर देगा, उस दिन आधी से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए एक मुश्त समाधान योजना के तहत आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे को वैध कराने की अनुमति दे दी है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में आवेदन शुल्क 2,500 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 5,000 रुपये तय किया गया है। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है। सरकार ने प्रदेश के 6,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क में 3 माह की छूट प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इसका लाभ घरेलू वाणिज्य छोटे उद्योग और निजी नलकूप के बिजली उपभोक्ताओं को होगा। सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के अलावा धर्मशालाओं और सिनेमा हॉल को भी 3 महीने के फिक्स्ड चार्ज से छूट प्रदान की है। राज्य सरकार ने हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण को स्वीकृति देते हुए इसे पीपीपी मोड में बनाने को मंजूरी दी है। वन टाइम सेटलमेंट हम लेकर आए हैं और इसी प्रकार कुछ बिजली में बहुत बड़ी मात्रा में जो इंटरेस्ट में छूट लेकर भी हम लोग आए हैं। इस प्रकार ये प्रमुख निर्णय थे। हरिद्वार महाकुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर पुलिस महकमा भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बसंत पंचमी के दिन पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ 19 फरवरी को एक बैठक आहूत की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। कुंभ हमारे लिए सबसे पहले भीड़ की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहता है, दूसरा ट्रैफिक प्रबंधन भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब लाखों गाड़ियां आती हैं तो ट्रैफिक पार्किंग इश्यूज बड़े होते हैं और फिर कहीं ना कहीं सैबोटाज एंगल भी जुड़ जाता है, इतनी बड़ी भीड़ जहां इकट्ठा होती है। तो उन सब के दृष्टिगत हमारी तैयारियां हैं, इसीलिए हमने इंटरस्टेट बैठक बुलाई है 19 तारीख को पुलिस मुख्यालय में। इसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, ये सब राज्यों के पुलिस अधिकारीगण आएंगे और उनसे भी इन सभी जो बिंदु हैं, जो कुंभ के पुलिस प्रबंधन वाले जो बिंदु हैं, इन सब पर उनसे चर्चा होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कल केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा को निर्बाध रूप से संचालित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अभी तक सीमित संख्या में ही प्रतिवर्ष श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो पाते हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा संचालित होने से राज्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसका सीधा लाभ सीमांत क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। उन्होंने विदेश मंत्री को पंतनगर और नैनीसैनी हवाई अड्डों का विस्तार करने और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण कर कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने की बात भी कही। कैलाश मानसरोवर यात्रा के संचालन हेतु विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से भेंट की है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि प्रतिवर्ष लाखों लोग इस पवित्र यात्रा को अनेक मार्गों से करते हैं, अगर पिथौरागढ़ लिपुलेख मार्ग से भी यह यात्रा प्रारंभ हो सके तो उत्तराखंड के पर्यटन और आर्थिकी की लाइफलाइन बन सकती है। मेरा प्रयास है कि पंतनगर और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करके और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करके हम विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए एक सहज और सुगम मानसरोवर यात्रा का विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के लिए की गई घोषणाओं की आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पौड़ी जिले में 191 घोषणाओं में से 116 पूरी हो चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले में 130 घोषणाओं में से 68 पूरी हो चुकी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 36 घोषणाओं में से 22 पूरी हो गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, एनआईटी में बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यमुनोत्री और बड़कोट में पार्किंग, यमुनोत्री में रोपवे, बड़कोट और चिन्याली सौड़ पेयजल के नव निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। बागेश्वर जौलजीवी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है।
माफ कीजिएगा सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीवी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय मार्ग को डबल लेन बनाया जाएगा। लगभग 230 किलोमीटर लंबा यह मार्ग अब नया राजमार्ग संख्या 109 होगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है। राज्य को सड़क मरम्मत आदि में होने वाली बड़ी राशि की भी इससे बचत हुई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे के लिए बनाए गए लच्छीवाला टोल प्लाजा ने आज से कार्य करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि टोल से आवाजाही करने के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं पहले दिन ही टोल प्लाजा का भारी विरोध देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने छूट देने की मांग करते हुए मौके पर प्रदर्शन किया। यहां फास्टैग की वजह से भी ट्रैफिक धीमा हो गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बनी रही। टोल प्लाजा के अधिकारियों के मुताबिक टोल के संचालन के लिए ट्रायल पूरा कर लिया गया है। टोल बैरियर पर आने और जाने के लिए पांच पांच लेन तैयार हैं। सभी लेन से फास्टैग के जरिए ही आवाजाही संभव हो सकेगी। नई नीति के तहत बिना फास्टैग के आने जाने वालों को दोगुना शुल्क देना होगा। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन करने की सूचना पर प्रशासन भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहा। मौके पर ही एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने एनएच के अधिकारियों के साथ बातचीत कर लोगों को समय देने की मांग की। एसडीएम ने बताया कि एनएच के अधिकारियों ने प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को फास्टैग की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए फौरी राहत दी है। भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके क्रम में आज यहाँ पे जो टोल है प्रारंभ हो गया है। इसमें बेसिकली जो स्थानीय लोग थे उनका काफी विरोध है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको उसमें छूट मिलनी चाहिए। जो कमर्शियल वाहन है उनको क्या है अपनी एक सप्ताह तक, जो हमारे प्राइवेट व्हीकल है उनको इसका टाइम दिया जाए कि वो अपने पास बना सकें और ये अपने जो फास्टैग है वो अपने बना सकें ताकि उन स्थानीय लोगों को सुविधा हो। इसके अलावा तीन दिन का समय जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए दिया गया है स्थानीय लोगों को कि तीन दिन में अपना फास्टैग बना लें या अपना मंथली पास बना लें। और इसके अलावा यदि इस बीच कोई अन्य कोई ऑर्डर भारत सरकार से या राज्य सरकार से आता है तो तदनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में वन संपदा को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वनों को आग से बचाने को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि 15 फरवरी से 15 जून तक का समय अति संवेदनशील है, जिस दौरान वनों में अत्यधिक आग लगने की घटना होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों और वन पंचायतों में जन जागरूकता अभियान आंदोलन के रूप में चलाया जाना चाहिए। देखिए, इसमें एक तो जो जैसा मैंने बताया कि इसमें हमने वॉच टावर्स हमने बनाए हैं 29 और साथ साथ में हमने दल भी बना रखे हैं। इसके साथ साथ में ये भी निर्णय लिया गया है कि जैसे हमारे रोड्स के लिए डेंजरस पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरीके से हमारे जहाँ पे फ्रीक्वेंटली फॉरेस्ट फायर्स होती है वो एरियाज भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और ज़्यादा हमारा जो एफर्ट होगा वो उन एरियाज में होगा, वहाँ पे हम लोग आईसी कैंपेन्स भी हम ज़्यादा करवाएंगे और हमारे जो टीम है वो ज़्यादा अलर्ट भी वहाँ पे रहेगी। अगर फॉरेस्ट फायर केसेस कोई आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो कार्य करेंगे। वहीं बागेश्वर जिले में 6 वन रेंजों में 29 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन वन पंचायतों में आग से बचाव पर बेहतर कार्य किया गया है ऐसे वन पंचायतों के सरपंचों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। अग्नि का सवाल जहां तक है हम पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं। बागेश्वर जैसा क्षेत्र पूरी तरह से चीड़ जंगल से घिरा हुआ है और यहां जिस दिन अचानक अगर पूरी जंगल में आग लगी तो कोई रेस्क्यू काम नहीं आएगी और यहां लोग धुएं से मर जाएंगे और इससे जो है हमारा पूरा पर्यटन, पूरा उत्तराखंड की जैव विविधता एकदम नष्ट होगी। जैव विविधता का पूरा सिस्टम टूट गया है, प्रतिवर्ष आग लगने से पूरा वो हो गया। सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम जैव विविधता को बचाने के लिए और इन जंगलों को बचाना बहुत जरूरी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है।
नमस्कार।